श्री आप आगर मालवा से हैं। आगर मालवा को अलग जिला बनाया गया, तो कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक तो कि बहुत पहले से मांग चली आ रही थी उस वजह से, और इसके अलावा ये विकास में थोड़ा सा मतलब पिछड़ा हुआ था, मतलब इसमें इसकी अनदेखी हो रही थी विकास में, तो उस वजह से इसको बनाया गया। चारों तरफ विकास की अनदेखी है। अनदेखिया किस सेंस में आप बोल सकते हो, किस हिसाब से? मैम जैसे ये जो जिला हेडक्वार्टर था उससे मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा थी, और उसके अलावा जैसे इसकी जो प्राथमिकता है मतलब आगर जिले में और शाजापुर जिले में थोड़ा सा अंतर भी। डिस्टेंस से क्या मैटर करता है, मतलब डिस्टेंस कम होगी तो विकास हो जाए? पूरा मतलब कौन से काम हेडक्वार्टर्स पे नहीं होते या होते हैं, ऐसे सारे काम हेडक्वार्टर्स पे होते हैं? नहीं लेकिन जैसे हेडक्वार्टर है तो उसके आसपास जितने भी मतलब और भी जो विभाग हैं उन सबसे रिलेटेड काम फिर आसानी से मतलब लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी थोड़ी देर कम हो जाती है। कोई नुकसान इससे आगर मालवा जिला बनने से? नुकसान तो नहीं, कोई नुकसान नहीं नया जिला बनने से। नए अधिकारी रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी सब, नई बिल्डिंग बनाना पड़ेगी, पूरा प्रशासनिक मशीनरी बनाने में आज की डेट में ये तो चाहते हैं कि सरकार का खर्चा बढ़े, प्रशासन में आके आप खर्च बढ़ाना चाहते हैं। सरकार खर्च करेगी तो सर उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जैसे नई नई अगर जो बनेगी तो सर उससे सर डेवलपमेंट के काम भी होंगे साथ में, तो सर जैसे तो वो काउंटर हो जाएगा, जो खर्च होगा वो काउंटर हो जाएगा। विकास होता क्या है मुझे तो तुम ये बताओ, जिसका जन्म अभी तक नहीं हो पाया बताए। विकास सर मतलब जैसे सर विकास का मतलब सर जैसे अगर जो हम सर विकास एक छोट मतलब व्यापक उदाहरण है सर, उसमें जैसे एक तो बुनियादी जो संरचना है बिजली पानी सड़क इनकी व्यवस्था होना, लोगों का रहन सहन जीवन स्तर ऊंचा होना, ये सब चीज़ें आ जाती है। जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठाए लोगों का? सर जीवन स्तर सर जैसे लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास, और सर उनकी राजनीतिक उनको अधिकार देके सर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। अभी राजनीतिक अधिकार नहीं है लोगों के पास? मैम है, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शासन की योजनाओं शासन के साथ सहभागिता उसको बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रशासन और लोगों की सहभागिता तो पूरी है। नोटबंदी के समय मोदी जी ने कहा कि भाई नोट इतने इतने तारीख तक बदल जाने चाहिए, तो लोग दो दो तीन तीन दिन लाइन में खड़े रहे, पूरा सहभाग करा लोगों ने। मैम सहभागिता का अर्थ ये नहीं, सहभागिता का अर्थ ये कि जो शक्ति है उनका विकेंद्रीकरण हो, शक्ति किसी एक जगह केंद्रीकृत ना हो, और लोग जो राजनीतिक अपने अधिकार जैसे मौलिक अधिकार जो भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो उनका अच्छे से उपयोग करें। आप बताओ ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे किया सकता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण संविधान में जो सातवें अनुसूची सर उसके अनुसार किया गया सर, तो सर वैसे ही और ऐसे जो शक्तियाँ केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर और ग्राम स्थानीय स्तर पर भी विकेंद्रीकृत की गई है, तो विकेंद्रीकरण है हमारे यहाँ। यस सर। फिर कुछ राज्य सरकारें केंद्र के खिलाफ क्यों है सर, जब विकेंद्रीकरण है तो? सर इसके पीछे कुछ तो राजनीतिक कारण होते हैं, और सर इसके अलावा जैसे कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिनमें केंद्र और राज्यों के पर विवाद रहता है, तो सर उस वजह से ये सब जो विवाद है वो सामने आते हैं। जब अगर राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दे दी जाएंगी तो वो मनमानी करेंगे, आज़ादी की मांग करेंगे, दूसरे देशों से संबंध रखेंगे, तो ये तो राष्ट्रहित में नहीं होगा। फिर सर राज्यों को ज़्यादा अधिकार देना मतलब उनको सर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार उनको लोगों के हित में काम करने के लिए देना, ना कि विदेश नीति निर्धारित करने के लिए देना। सर ये काम केंद्र सरकार का संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो सर इस संबंध में तो सर सवाल ही नहीं उठता कि उनको हम ये अधिकार दें। आपने बोला कि आगर मालवा बनने के लिए काफ़ी समय से मांगे उठी है ना, तो इसलिए आगर मालवा जिला अलग कर दिया। नहीं? अब ऐसे ही अभी पिछले काफ़ी टाइम से इशू चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो गोरखा लैंड का हिस्सा आता है उसकी भी कई सारी मांगे उठते हैं, कई सारे वायलेंट डिमांड्स उठते हैं, तो उसमें कहाँ परेशानी आ रही है, वो क्यों अलग राज्य या अलग हिस्सा नहीं बन पा रहा? मैम जैसे एक जिला बनाना और एक राज्य बनाना दोनों अलग अलग बात है,
जैसे जिला एक राज्य बनाने के लिए क्या है कि वहाँ पे पर्याप्त वित्तीय संसाधन हो, साथ ही उसमें जो आर्थिक वित्तीय संसाधन के अलावा उसका एक थोड़ा मतलब पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हो, मतलब ज़्यादा जैसे दार्जिलिंग है उसका एरिया बहुत ही कम है, तो सर उसको मतलब अपन तकनीकी रूप से भी एक राज्य नहीं, राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। गोवा से तो बड़ा ही बन जाएगा, सिक्किम से तो बड़ा बन जाएगा, जब उनको राज्य बना दिया है तो उसको बनाने में क्या समस्या। पश्चिम बंगाल वालों से दार्जिलिंग या गोरखालैंड की ना तो संस्कृति मिलती है ना चेहरे मिलते हैं, तो क्या समस्या वहां पर, बना देना चाहिए। सर वहाँ पे से एक जो स्वायत्त संस्था है सर, जो गोरखालैंड परिषद बनी हुई, तो उसके पास पर्याप्त ऐसे अधिकार हैं तो फिर झगड़ा किस बात को लेकर है। सर? झगड़ा सर जो वहाँ की राज्य सरकार है सर, उन्होंने जो बंगाल बांग्ली बांग्ला भाषा है उसको पूरे राज्य में स्पष्टीकरण दिया ना उन्होंने कैसा नहीं है, फिर अब किस बात को लेके झगड़ा। सर फिर उसके बाद में सर, उसके बाद राजनीतिक जो राजनीतिक हस्तक्षेप वो भी हो गया, उस वजह से ये सब दिक्कतें सामने आई। आप ये बताओ, छोटे छोटे राज्यों का निर्माण राष्ट्र हित में है या नहीं? सर छोटे राज्यों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी है, तो सर हमें जो छोटे राज्य इस हिसाब से बनाना चाहिए ताकि प्रशासनिक सुविधा हो और जो सरकार का जो राजस्व है उस राजस्व भार भी ज़्यादा ना बने। मध्य प्रदेश से क्या कोई नया राज्य बनाया जाना चाहिए? सर मध्य प्रदेश से सर, अगर जो अभी सर अगर जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सर अच्छी हो तो नए राज्य बनाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। आप क्या सोचते हो, क्या बनाया जाना चाहिए अभी या नहीं बनाया जाना चाहिए? सर अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई नया राज्य बनाया जाए। तो फिर छत्तीसगढ़ को मिला दिया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में? नहीं सर, एक जो मतलब पूरी व्यवस्था एक अलग बन चुकी है सर, उसको फिर डबल से वैसा करना तो सर एक अच्छा नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ को आप अपने मध्य प्रदेश के बराबर अच्छा राज्य नहीं मानते? नहीं सर, मतलब ये जो मतलब ये नहीं, मतलब सर जैसे छत्तीसगढ़ अब बन चुका है सर, अभी 16 साल हो चुके हैं, 16-17 साल हो चुके हैं, और उसके अलावा फिर डबल से वो वैसी स्थितियाँ निर्मित करना एक समझदारी भरा निर्णय नहीं होगा। तो सिर्फ राज्यों को तोड़कर राज्य बनाना संविदारी भरा निर्णय होता है, राज्यों को मिलाना संविदारी वाला निर्णय नहीं होता है। जैसे देश की आजादी के 50 साल बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ आर्टिकल 2 और 3 और 16 साल बाद हम मिलाए ना, ये कैसी तुलना है? सर जैसे पहले तो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है सर, उसकी थोड़ी जो कल्चर जो है वो थोड़ी सी अलग है सर। जैसे पहले ऐसा होता था कि माना जाता है सिर्फ छत्तीसगढ़ का सिर्फ शोषण हो रहा था, कि वहाँ के जो जो वहाँ के जो संसाधन है उनका उपयोग हम पूरे मध्य प्रदेश के अलग हिस्सों में कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा है। तो और सर अब जैसे नया राज्य बन गया तो सर वहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मध्य प्रदेश के साथ नाइंसाफी हुई ना, कि जितने भी संसाधन थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए, अब यहाँ पे क्या संसाधन बचे, कुछ नहीं। मैम ऐसा तो नहीं, अभी भी जो मध्य प्रदेश वो टॉप 5 जो खनिज वाले जो राज्य उनमें आता है, और इसके अलावा अनेक संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को तो अलग सेपरेट कर दिया, फिर भी उसकी स्थिति अभी लगभग लगभग वैसी है, बहुत ज्यादा डेवलपिंग नहीं हुई। आप छत्तीसगढ़ में डीसी डीएसपी बनना पसंद करोगे? नहीं सर। क्यों? सर वो भी तो हमारा मध्य प्रदेश ही है, आज उसको छत्तीसगढ़ कहते हैं। सर पहले सर मेरी पहली पहली प्राथमिकता रहती है कि मैं मध्य प्रदेश में बनूं। मतलब चुनौतियां लेना पसंद नहीं है आपको? नहीं सर, तो अगर जो ऐसा मौका मिला तो बन जाऊं। अभी तो आपने मना करा छत्तीसगढ़ में, नक्सलियों की वजह से इन्होंने मना कर दिया। अब मैं इनसे क्वेश्चन पूछने जा रही थी लेकिन ये जाना नहीं चाह रही, तो फिर भेजने से क्या मतलब? वही तो, इन शासन का आदेश है, इस हिसाब से देना है। मैम तो फिर चले जाएंगे। ऐसी कोई कंडीशन आपके लिए दिए मतलब पैदा हो जाती है कि आप किसी नक्सलाइट एरिया में हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जंगली इलाका है और बारिश से बाढ़ आने की संभावनाएं हो गई है, वेदर फोरकास्टिंग हो गई है कि जितनी जल्दी लोगों को नहीं हटाया गया उतनी ज़्यादा संभावना जो दुर्घटना है वो बढ़ती जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? और आपकी वजह है एक या दो। मैम पहली प्राथमिकता रहेगी लोगों को बाढ़ से बचाना। कैसे? मैम जैसे अगर जो नक्सलाइट इलाका है तो सिर्फ बाढ़ ऐसा नहीं है, सिर्फ जो नक्सल मतलब जो प्रशासन के अंदर एक पूरे क्षेत्र में बढ़ाएगी, तो सर
इस वाली कंडीशन में सबसे पहले उनकी प्राथमिकता भी ये रही है क्योंकि वो मानते हैं कि हम लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। आप क्या स्टेप्स लेंगे वो बताइए, प्रैक्टिकली क्या करेंगे आप? हम जैसे पहले तो जो राज्य का जो आपदा राहत बल रहता है उसकी मदद लेंगे, फिर अगर जो ऐसा अगर जो मदद कैसे लेंगे हम, जैसे उसको बुलाएंगे किस कैसे, आवास दे के चिट्ठी दे के या फोन करके? मैं मतलब ऐसा संभव नहीं हो पाया तो फिर हम लोगों के साथ ही काम करना पसंद करेंगे, जैसे जो लोग हैं उनको भी हम बता कर कि हम ऐसे ऐसे बच सकते हैं तो बिल्कुल संभव होगा। बीच में नदी है, आप उस साइड जा ही नहीं पा रहे तो कैसे संभव होगा? मैम फिर तो आर्मी को बुलाना पड़ेगा। आर्मी को बुलाना पड़ेगा? यस मैम। और मैम फिर अगर इतनी बड़ी कंडीशन होगी तो हम ऐसा तो नहीं रहेगा कि पूरे राज्य को पता ना चले या फिर पूरे देश को पता नहीं चले, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार किसके माध्यम से उठाएगी? आप भी तो प्रशासन के हिस्से हो, आपकी माध्यम से तो उठाएगी, तो वो कदम आप बताओ ना, आप क्या उठाओगे? देश को बताओगे, आर्मी को बुलाओगे, आपके कदम क्या होंगे? वहां पर फेस करने वाले अधिकारी आप हो, आपका क्या स्टेप होगा? आप इंतजार कर रहे हो कि केंद्र तक बात जाएगी तब वो काम करेगा? मैम ने बोला कि वहाँ पे संचार सुविधा नहीं है तो फिर हाँ ऐसी स्थितियाँ बाढ़ में बनती हैं, तब क्या करोगे? बीएससी प्लेन करा है ना आपने, केमिस्ट्री बाय, ये सब रहे होंगे सब्जेक्ट्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है? मैम प्लांट सेल और एनिमल सेल, जैसे प्लांट सेल रहती है उसमें अनेक जो कोशिका के जो अंग रहते हैं, जैसे प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सॉरी मैम, जो प्लांट सेल है उसमें जो केंद्रक है और केंद्रक बीच में पाया जाता है और उसके आसपास अनेक रिक्तिकाएँ पाई जाती है और उसमें सेंटोसोम भी पाया जाता है और इसके अलावा कोशिका भित्ति वो उसमें सेंटोसोम प्लांट सेल में ना? यस मैम, यस है ना, और एनिमल सेल में नहीं होता? एनिमल सेल में पाया जाता है सेंटोसोम, उसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केंद्रक छोटा होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में भी पाया जाता है? नहीं पाया जाता, एनिमल में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? एनिमल सेल, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और क्या होता है? और सर इसके अलावा जो लिपिड्स क्या होते हैं? किसे कहते हैं? वर्णक। वर्णक सर, वर्णक ये प्लांट सेल में पाए, प्लांट सेल में पाए। कितने प्रकार के होते हैं सर? ये तीन प्रकार। कौन कौन से? वर्णी सर, वर्णी और अवर्णी, दो प्रकार पाए। दो प्रकार के होते हैं मैडम, हमें तो पता था तीन के होते हैं, क्लोरोफिल भी होता है ना, आप दो प्रकार का, मैं सुधारता हूँ अपने आप को, दो प्रकार के होते हैं सर। वर्णी लव के अंदर आ जाता है, अंतर्गत आ जाता है। अविनाश मुझे करेक्ट करेगा नेक्स्ट टाइम से। आप मुझे बताओ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? अच्छा अच्छा ये ठीक है, ये बताइए कि हम आपको अभी पद दे रहे हैं डीसीए डीएसपी में से, एक आपको चुनना है, कौन सा पद लेंगे आप? डीएसपी में नहीं है? डीएसपी में, डीएसपी का एक एरिया रहता है कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसे जो डीसी है उसका एरिया। लेकिन प्रशासन को तो हर जगह पुलिस की जरूरत होती है, हर जगह पुलिस की आवश्यकता होती है, मतलब ये कह सकते हो कि प्रशासन बिना पुलिस के तो आपके जिले में किसानों ने तहसीलदार उन सबको पीटा मंडी में, तो डीसी क्या करे? बुलाया पुलिस को कि नहीं बुलाया? फिर आप बोल रहे हो डीसी चाहिए सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सर जो डीसी है सर, मतलब सर यहाँ पे डीसी और डीएसपी का लॉ एंड ऑर्डर किसानों ने भंग कर दिया, तो उसके लिए अब आपको पुलिस की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? यस सर पड़ेगी। फिर आप इसको कैसे मानते हो कि इसका दायरा सीमित है, इसका दायरा ज़्यादा है? सर वहाँ पे लॉ सर जो व्यवस्था वहाँ पे बिगड़ी तो सर वहाँ पे पुलिस की जरूरत पड़ेगी। और सर अगर जो सामान्य जो रूप से देखा जाए सर, मतलब डीसी और डीएसपी को हम ऐसे तुलना कर सकते हैं कि सर जैसे कोई कॉलेज है तो सर उसका जो प्रिंसिपल है वो डीसी है, और सर वहाँ का जो हेड ऑफ किसी डिपार्टमेंट है उसका हेड है वो। तो आप ये मान के चलते हैं कि डीसी का जूनियर डीएसपी हो गया? हाँ
आप तो ये समझ रहे हो जबकि आयोग की लिस्ट में दोनों समकक्ष पद है बराबर है, यहाँ एचओडी जो हुआ और प्रिंसिपल हुआ तो प्रिंसिपल के अंडर में एचओडी आ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि डीएससी के अंडर में डीएसपी, आईएएस के अंडर में आईपीएस, आप तो ऐसे तुलना कर रहे हो। तो विभागीय पद समझ सकते हैं सर? नहीं आप समझा रहे हो, हम तो उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर रहना चाहते हो, आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, अगर आपका हमसे ही नाम नहीं कि भाई वो उसके अंडर में है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो डीएसपी वो भी अपने एरिया में जैसे जो पूरा स्वतंत्र है, जैसे उसका जो विभाग है उसमें पूरा निर्णय लेने में सक्षम है डीएसपी। आप बताओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या सिर्फ मजिस्ट्रेट और जज में क्या अंतर? मजिस्ट्रेट और जज, जज में क्या अंतर बता? शासन और सरकार में क्या अंतर है? शासन मैम सरकार का मतलब सामान्य तो जो राजनीतिक व्यवस्था उसको मान लिया था, वो शासन के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आप बताओ मुझे पुलिस का किसी डिस्ट्रिक्ट में हायरार्की, पुलिस विभाग का किसी डिस्ट्रिक्ट जिले में पद सौंपा? सर पुलिस विभाग में सर सबसे पहले जो शीर्ष अधिकारी सर वो तो एसपी सर, उसके बाद एएसपी, उसके बाद सर डीएसपी या सीएसपी, और सर फिर उसके बाद टीआई, टीआई के बाद सीएसपी या डीएसपी, दोनों में क्या अंतर होता है? सर दोनों की रेंज बराबर होती है सर, जब जो डीएसपी सर फील्ड में काम कर रहा है तो उसे सीएसपी कहा जाता है। फील्ड में काम करता है तो सीएसपी, फील्ड में काम ना करने का मतलब पुलिस सर, फील्ड का मतलब सर जैसे सर डिपार्टमेंट की काम भी होते हैं ना सर, तो अगर डिपार्टमेंट में काम करता है तो सर उसे डीएसपी कहा जाता है, तो उसे डीएसपी कहते हैं, और फील्ड में काम करेगा तो उसे सीएसपी बोलते हैं, ऐसा बोलता है। ये वर्गीकरण तो सही नहीं लग रहा मुझे। सर ये मामा ने बताया था। मामा ने बताया था? आपके मामा क्या करते हैं? सर कांस्टेबल है सर। कांस्टेबल? यस सर। किस जगह पोस्ट पे? इंदौर जिले में। तो फिर आप डीएसपी क्यों नहीं बनना चाहते? मामा आपके कांस्टेबल, आप अधिकारी बने। सर इसका कारण सर मेरे को वही लगता है सर कि जो डीएसपी सर उसका कार्यक्षेत्र थोड़ा सीमित रहता है। एक आप यहाँ पर ये बना के बैठे हो कि डीसी है तो वो राजा बन जाता है और डीएसपी है वो उसका कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है, ये इनकी अप्रोच है। थाना और कोतवाली में क्या फर्क है? सर थाना जो थाना होता है मैम उसमें जो टीआई रहता है उसके अंडर में रहता है, जो टीआई के अंडर में थाना रहता है, और जो कोतवाली किसी निश्चित क्षेत्र जो थाने का एक सब डिवीजन बोल सकते हैं, थाने का सब डिवीजन रहता है जिसमें एक एसआई जो अधिकारी रहता है, अधिकारी नहीं सॉरी मतलब एसआई। भंवरकुआ थाना और यहाँ दूसरा थाना, तो ये किस कोतवाली के अंडर में आता है? कोतवाली के अंडर में आपने बोला ना थाना कोतवाली, इन्होंने बोला कि थाने के अंदर कोतवाली आती है। थाने के अंदर कोतवाली आती है, इसके अंदर कौन सी कोतवाली आती है सर? सर पर मतलब जैसे गांव लेवल पे ऐसा देखा जाता है सर, जैसे मेरे यहाँ से जैसे मेरा थाना नलखेड़ा लगता है वो सर जो कोतवाली है वो बड़ा गाँव। चलिए ठीक है हो गया पुलिस प्रेस। आप ये बताइए भावंतर योजना जो चलाई थी शासन ने, क्या फर्क या क्या अंतर आया उसमें, क्या लाभ उसको उसके मिल रहे हैं? कि आप ही के जिले में शायद उसको लेके बहुत सारी अभी डिस्प्यूट्स हो गए, तो क्या आपको लगता है इससे सही है या नहीं? भावंतर योजना मैं जैसे जो जो फसल रहती है उनका मूल्य अत्यधिक कम हो जाता है, जैसे अगर जो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो तो जो एमएसपी से बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है, जो बाजार का जो मूल्य रहता है एमएसपी के बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है, तो दोनों को अंतर काटने के लिए इसमें भाव अंतर मतलब दोनों के जो अंतर होता है उसको मेंटेन करने के लिए इस योजना को लाया जाता है, तो सर इसमें जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सरकार पे कर देती है। तो लाभ क्या हुआ इससे? मैम इससे किसानों को उनकी जो फसल है उसका सही मूल्य मिल जाएगा। अभी मिल रहा है? यस मैम। नहीं मिल रहा? मैम इसमें थोड़ी सी जैसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अधिकतर किसान मतलब लगभग अनेक अनेक लाखों किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाया है। 1700 रुपये बिक रहा है सोयाबीन का भाव, कुछ और बिक रहा है जो होना चाहिए,
तो भावांतर योजना तो बुरी तरह से फेल हो रही है। और अगर ये योजना सरकार या शासन के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई है, लगाई जा रही है, तो इसमें तो किसान कल्याण हो ही नहीं रहे। मैम जैसे अभी जो अगर जो मान लो MSP से अगर जो नीचे बिक रही है अगर जो सोयाबीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको नुकसान होगा। जो MSP और जो अभी बाजार का जो रेट है बाजार मूल्य से भी नीचे जा रही है ना। मैम जो बाजार का तो जो नीचे जाएगा तो फिर उसी को बाजार रेट बोलेंगे, तो दोनों का जो अंतर है उसको जो सरकार तय करेगी। GST के तीन फायदे बताओ। GST के तीन फायदे, सर पहला फायदा तो ये पूरे ने जो पूरा जो देश है उसको एक मुक्त बाजार बना दिया। सर दूसरा ये कि जो सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सर में लगभग कौन सी सरकार का सर, केंद्र सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। और इसके अलावा सर जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो असंगठित था वो फॉरेन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। कैसे सर? जैसे पहले बहुत सारे अनेक व्यापारी ऐसे रहते थे जो टैक्स नहीं देते थे, तो GST में उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया, लगभग 19 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए, तो सर इसमें कि वो फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत आ गए। ग्राहकों को जनता को क्या फायदा इससे? ग्राहक को ये तो व्यापारियों का एक और समस्या बढ़ गई कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, जनता को क्या फायदा इससे? सर व्यापारियों को सर पहले से तो मतलब आसानी हुई सर, जैसे पहले किस बात की सर, जैसे पहले 15 प्रकार किसको आसानी हुई सर व्यापारी, जनता को क्या फायदा? सर जनता को भी सर जो लंबे समय में सर जनता को भी फायदा है क्या? सर जैसे अगर जो पूरा देश अगर जो एक मार्केट बन जाएगा, तो सर पहले तो है कि जैसे पहले MP में अलग मूल्य होता था किसी चीज़ का, गुजरात में अलग होता था, जब इससे इतना फायदा सरकार को जनता को व्यापारियों को है तो कुछ चीजों पर इसको क्यों नहीं लागू किया? सर उसका कारण ये कि सर जैसे अभी अगर जो कुछ चीजें पर जो जैसे मान लो सर पेट्रोल हो गया, तो सर उसपे जो टैक्स है सर वो Thank you.
गया पूछो उनसे थोड़ा सा लिया जाए किस किस को रोकोगे सामने हो तो रोक फास्ट टैग ही उतना बताइए मेरा तो आखिरी सवाल है।